अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से सबको बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक हो, ताकि आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है। सो मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक तमाम मुस्लिम्स को। और इसके बाद आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपनी इफ्तारी व्लॉग। अच्छा, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड हैं, तो इतनी ज़्यादा इफ्तारी तो नहीं होगी, बट स्टिल आई वॉन्ट टू शेयर इट विथ यू। सो कीप वॉचिंग। सबसे पहले तो मैं पकौड़े बनाने लगी हूँ, और उसके लिए मैंने जस्ट 2 पोटैटोज एंड 1 ओनियन लिया है, और उसको बहुत थिनली स्लाइस कर लूँगी, ताकि ज़्यादा नहीं बनाती। और मेरा वैसे भी ये होता है कि 1 डे में, अगर मोस्टली वीकेंड पे ही मैं फ्राइड थिंग्स बनाती हूँ, वीकडेज में नहीं बनती हमारे घर। सो मैं इस तरह कर लेती हूँ कि 1 वीक में जैसे पकौड़े बना रही हूँ, समोसे, रोल, तो नेक्स्ट वीक फिर मैं ट्राई करूँगी, नेक्स्ट मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे जब सोहेल घर पर होते हैं तब हम बनाते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं करूँ, कभी फ्राई फिश बना लूँ एक दिन पकौड़े बना लूँ, एक दिन मैं पफ पेस्ट्रीज बना लूँ, लाइक कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाती रहूँ। और इसके अलावा भी रैंडम थिंग्स ट्राई करती रहती हूँ, कभी चिकन पकौड़े और कभी व्हाटएवर जो भी होता है, लाइक डिफरेंट। सो अच्छा, मैंने ओनियन एंड पोटैटो काट लिए थे, सो अब मैं स्पिनिच डालूँगी, और उसके जितने भी स्टेम्स होते हैं मैं सब में सेपरेट कर रही हूँ, ताकि वो मुझे अच्छे नहीं लगते, वो थोड़े से सोगी जब हो जाते हैं। और बस इनको भी मैं थिनली स्लाइस कर लूँगी, और सारी चीज़ें मिक्स करके फिर मैं रख दूँगी, और सारे स्पाइसेस मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। सो अच्छा, फिर ये होता है कि जो मैं बता रही थी कि बहुत ज़्यादा अगर फ्राइड थिंग्स बनाओ ना, तो फिर वो क्या होता है, आप खाते रहते हो खाते रहते हो, और ये देखें बिल्कुल अब मेरी शेफ़ वाली स्किल्स जो मैं बिग वाली शेफ़ नाइफ होती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उससे मैं वो काट चुकी हूँ सारे, बिल्कुल फाइनली चॉप्ड कर लूँगी मैं ग्रीन मिर्चें। अभी इतना शदीद रोज़ा लग रहा है सीरियसली, और मुझे इतनी प्यास लग रही है, ताकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो बट इट्स फाइन। अच्छा, अब मैं वो डाल दिया था स्पिनिच, और सब कुछ मिक्स कर लिया मैंने, ऑनियन एंड पोटैटो, कोरिएंडर वगैरह भी काट के मैंने डाल दिया था। और अब मैं इसमें अनारदाना और डाल रही हूँ धनिया, सूखा धनिया, उसको कूट के। और आप लोग बोलोगे कि मैं ये क्यों यूज़ करती हूँ, इसलिए ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, मैं इसी को यूज़ करती हूँ, वो जो जिससे ऐसे क्रश करते हैं फ्रेश, ठीक है। और अब मैं इसमें बेसन ऐड कर दूँगी, और जो रिमेनिंग स्पाइसेस हैं, सॉल्ट, चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये सारे जितने होते हैं ना, ये सारे में, और थोड़ी सी अजवाइन जो होती है ना, पिंच ऑफ अजवाइन, वो सारे में डाल के इसको हल्का से मिक्स करके रख देती हूँ। और जब लास्ट में मैंने फ्राई करना होगा, उस टाइम जस्ट मैं इसमें हल्का सा वाटर ऐड करके तो फ्राई कर लूँगी, या देखें बिल्कुल ऐसे मिक्स करके मसाला रखूँगी, तो आपके पकौड़े सीरियसली बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनने वाले हैं। लेकिन अगर आप इसको अभी वाटर मिक्स करके रख दोगे, तो फिर वो क्या होगा कि लेटर ऑन वो सोगी हो जाते हैं। अच्छा गाइज, एक और टिप मैं आपको देती चलूँ, ये सेकंड टिप है, आज मैं बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ, कि इफ़ आप कोरिएंडर को ऐसे एक जो लिड वाला बॉक्स होता है वो लेके उसके अंदर रखें, तो आपका कोरिएंडर 3 वीक्स तक बिल्कुल फ्रेश रहने वाला है। और ये मेरा 1 वीक पहले का है, मैंने लास्ट वीक ग्रोसरी की थी, ये तब मैं लेके आई थी। आपने नीचे एक टिश्यू रखना है उसके ऊपर। अब ये देखिए, मैंने टिश्यू जो उठाया था वो पूरा वेट हो चुका था, और ये आप ये भी देख सकते हो कि ये बिल्कुल फ्रेश है, 1 वीक ओल्ड कोरिएंडर है, वरना 2-3 दिन में वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। बट इफ़ आप टिश्यू रख देती हो, तो उससे क्या होता है कि वो सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो एक्सेस वाटर होता है, तो आपका कोरिएंडर बिल्कुल फ्रेश रहने वाला है 3 वीक्स, मिंट 2 वीक्स रहता है, सम टाइम 3 वीक्स निकाल जाता है, डिपेंड करता है। और ये भी देख सकते हो कि मिंट भी मेरा 1 वीक ओल्ड है, बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं दोनों। सो नीचे टिश्यू हो, फिर कोरिएंडर में रखूँगी, सॉरी मिंट रखा है उसके ऊपर, अगेन टिश्यू रखूँगी, और अगेन उसके ऊपर मिंट रख के, वैसे मेरा दूसरा जो बॉक्स है सॉरी वो पूरा कोरिएंडर से भरा हुआ है, तो ये थोड़ा सा फिर दूसरे बॉक्स में मैं रखती हूँ, तो इसके ऊपर मैं अगेन टिश्यू की थिक वाली, 2-3 जो थिक वाले टिश्यू होते हैं, जो प्लेंटी के जैसे होते हैं, वो थिक टिश्यू आप रख के फिर उसको कवर करके फ्रिज में रख दो, एंड दैट्स इट गाइस, पूरा रमज़ान इन्जॉय करो फ्रेश वाला धनिया एंड पुदीना। अब मैं बना रही हूँ ग्रीन चटनी, और इसकी आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको टिप देने वाली हूँ, टिप 3, कि मैं इसमें स्पिनिच डालती हूँ, बेबी स्पिनिच डालती हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है। और बेबी स्पिनिच का जो टेस्ट होता है वो आप फील नहीं करते चटनी में, लेकिन उसका एक ये बहुत फ़ायदा हो जाता है कि उसमें हाई जो होता है आयरन होता है, और एट द एंड ऑफ रोज़ा जो होता है आप बहुत वीक फील कर रहे होते हो, आपको एक्सेस आयरन की ज़रूरत होती है, तो उस बेबी स्पिनिच फिर आपको वो एक बूस्ट देती है, सो ये बहुत हेल्दी फॉर्म बन जाती है चटनी की।
सो इसमें पुदीना जा रहा है, मिंट क्या है, बेबी स्पिनिच डाला है मैंने, और इसके अलावा सॉल्ट एंड योगर्ट, और मैंने हैंड ब्लेंडर से इसको क्रश करके निकाल लिया है। और फिर इसमें एक्स्ट्रा मैं ग्रीक योगर्ट, यूज़ करती हूँ, वो बहुत ज़्यादा नाइस होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे फ्लेवर में भी, और हेल्थ वाइज भी ग्रीक योगर्ट बहुत नाइस होता है। सो अब इसको मिक्स कर दूंगी, जितना मर्ज़ी स्पाइसी रखना है, मुझे अंदाज़ा है हम थोड़ा कम स्पाइस खाते हैं, इसलिए नॉर्मल मैंने हाफ ग्रीन चिली डाली थी। आप जितनी मर्ज़ी डालो, जितना मर्ज़ी स्पाइसी खाओ। स्पाइसी फूड्स वैसे अच्छे होते हैं कि वो आपका फैट बर्न करने के लिए बहुत गुड होते हैं, टिप 3 के 4 जो भी है याद रखिएगा, वो बहुत होती हैं। अच्छा, अब मैंने वाटर इसमें उसमें डाल दिया था, और ये देखिए बिल्कुल कितना थिक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सॉरी, मेरे हैंड बहुत अच्छी तरह वॉश हैं, और कोई ये ना बोले ग्लव्स यूज़ करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ताकि मैं अपने हस्बैंड और सन के लिए बना रही हूँ। सो बिल्कुल थिक सा, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके थिक सा पेस्ट बनाया, और हैंड के साथ बिस्मिल्ला करके डालते जाएं, कोई जम्स वम्स नहीं लगने वाले, हैंड अच्छी तरह वॉश कर लें एंटीबैक्टीरियल से। सो बिस्मिल्ला करें और पकौड़े फ्राई करें, और आपके पकौड़े बेइंतहा क्रिस्पी बनने वाले हैं। अच्छा, मैं भी एक दो दिन, अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, एक दो दिन में मैं फ्राइड फिश भी बनाऊंगी, तो फिर मैं उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी, ताकि वो भी मेरी बहुत क्रिस्पी सी और मज़े वाली रेसिपी होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आप देख सकते हो मेरे पकौड़े कितने अच्छे हैं, ऑयल गुड वाला सही, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर नहीं, मीडियम पर रख के तो मैंने फ्राई कर ली हूँ, और ऑयल तो रोज़े में देखे तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो आज मैं आपके साथ इतनी टिप्स शेयर कर रही हूँ, इसके साथ सारी अपनी रूटीन भी बता रही हूँ, तो आपको होपफुली कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा इस वीडियो से। और मेरा क्या से बताए, कढ़ाई बिल्कुल साइड पे हो गई थी। खैर, अभी मैं सारे फ्रूट्स काट रही हूँ, एप्पल, पाइनएप्पल, फ्रेश मैं यूज़ करती हूँ, आज मेरे पास नहीं था तो मैंने टिन वाला यूज़ कर लिया था, बट पाइनएप्पल फ्रेश इज़ बेस्ट। उसमें स्ट्रॉबेरीज, एप्पल, पाइनएप्पल, पेयर, बनाना और ब्लूबेरीज डाल दें, जितने मतलब फ्रूट्स जो जो आपको मिल रहे हैं सारे छोटे छोटे मैं काट के डाल दूँगी। 1 स्पून शुगर डालूंगी, ताकि मीठे की क्रेविंग जो होती है, इंस्टेड में कोई और डिज़र्ट बनाऊँ, मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ, क्रीमी फ्रूट सैलेड, फ्रूट चाट नहीं है इस, क्रीम फ्रूट सैलेड। सो उससे ये होता है कि जो आपको शुगर क्रेविंग होती है वो भी कम हो जाती है, और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। सो इट्स फाइन, क्रीम बेशक डबल क्रीम में यूज़ करती हूँ, फैट्स की मैं बिल्कुल परवाह नहीं करती, ताकि फुल डे इतना लॉन्ग होता है रोज़ा, सो इट्स फाइन। सो गाइस, मेरे पकोड़े बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, और आप देख सकते हो कि ये देखने में भी आपको कितने क्रिस्पी लगते हैं। टिप 5 के आप इसको कवर अगर कर देंगे ऊपर फॉइल से, तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल। इफ़ आप कवर नहीं करोगे तो वो बिल्कुल क्रिस्पी और थोड़े हार्ड से हो जाएंगे, आपकी चॉइस है। अगर आपने सॉफ्ट उनको थोड़ा करना है तो उसको ऊपर फॉइल से कवर कर दें, या किसी भी लिड से कवर कर दें, तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। हेयर ओनली 10 मिनट्स रह गए थे, 15 मिनट्स, सो मैं जल्दी जल्दी अब सारे फ्रूट्स काट रही हूँ, और जैसे भी काट रहे हैं आप जल्दी जल्दी, ताकि वीडियो भी बनाओ। एक्चुअली मैं वीडियो खुद बनाती हूँ, और इसके साथ उसकी एडिटिंग एवरीथिंग मैं अकेले कर रही होती हूँ कैमरा के, सो इस वजह से सम टाइम मेरे क्लिप्स मिसिंग हो जाते हैं, बिकॉज सम वो होता है ना कि जब आपका ध्यान कुकिंग में होता है तो आप कैमरा पे ध्यान नहीं दे रहे होते, फिर बार बार बेटा भी आ जाता है, मम्मा क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सो इधर उधर हो जाती है मेरी वीडियोज़। सो माइंड नहीं किया करें, ताकि आई एम अलोन, में खुद कर रही होती हूँ, सो तो बहुत बिजी होते हैं वो, बस शाम के टाइम उनके अपने बहुत सारे काम होते हैं। सो अब इसको सारा मिक्स करके फ्रूट्स में, रेजन्स में भूल गई थी, रेजन्स ऐड करें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, और आधा घंटा पहले अगर बना के रख दो तो वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं रेजन्स, और मज़े के लगते हैं। सो अभी मैं शायद क्रीम ढूंढ रही होंगी, या कोई स्पून ढूंढ रही होंगी। खैर, इट्स फाइन। मेरे अच्छा, मेरे साथ रोल और समोसे भी फ्राई कर रही हूँ, और ये मैं डबल क्रीम यूज़ कर रही हूँ। सॉरी, मैंने इसको दिखाया नहीं आपको, बट ये डबल क्रीम है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो भी है, बट जो इंग्लैंड में लोग रहते हैं उनको पता होगा ब्लू वाली क्रीम कौन सी होती है। सो दैट्स इट, मिक्स इट, जितनी मर्जी क्रीम डाले, मैं अभी और डालूंगी इसमें। और साथ मेरे अच्छा, मैंने इस दफ़ा रोल और समोसे जो है ना वो खुद नहीं बनाए, वरना मैं बनाती होती थी, सोल को अच्छा लगते हैं मेरे हाथ के समोसे, ताकि वो बहुत नाइस बनते हैं, बट अभी मैंने ट्राई नहीं किया, मैं भी नेक्स्ट वीक कभी एक दिन बना लूँगी ताज़े ताज़े उसी टाइम। मैं पैकेट्स ले आई थी, और बस मैंने कहा इट्स फाइन, थोड़े से कर लूँगी, ताकि पता नहीं अब दिल नहीं करता इतना ज़्यादा अफ्तारी में, मुझे ज़्यादा होता है कि मैं कुछ हेल्दी खा लूँ, तो बस। सो ये मेरे हो रहे हैं फ्राई आराम से, मैंने डेट्स भी ऐड कर दिए हैं, डेट्स अभी मेरे अच्छे वाले पैकेट नहीं आए, मतलब जो मुझे पसंद है वो मैं लेके आऊँगी अगेन से, जो मिली थी उस टाइम
वो मैं ले आई थी ताकि मैं एशियन शॉप पे भी गई नहीं। अच्छा, जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते होंगे, सॉरी पाकिस्तान में रहते होंगे, इंग्लैंड या अमेरिका कनाडा नहीं रहते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। जब मैं आई थी आई वॉज लाइक सरप्राइज्ड कि जो थिंग्स आपको पाकिस्तान में भी नहीं मिलती वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है आराम से। पता नहीं क्या क्या मिलता है सारे, लाइक वो जितने भी ऑयल्स और पता नहीं, कल मैं गई एक शॉप है वहाँ पे लिखा होता फकी पाउडर, लाइक सीरियसली वो भी मिलती हैं। बट यह लोग खाते होंगे, दैट्स गुड, मतलब खाते होंगे, बट इट्स गुड कि वहाँ से सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो अभी ये देख लें। अच्छा, कबाब, सॉरी, मैंने ओवन में रखे थे, बिल्कुल उसको मुझे याद नहीं रहा, मैंने 3-4 ही बनाए थे। मेरी अफ्तारी टेबल इज़ रेडी, पकोड़े बनाए, दूसरे पकोड़े मैंने बना लिए थे, वो जो पोटैटो के काट के थिनली स्लाइस, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था मैं इसकी वीडियो बनाऊँ। साथ मैंने जूस लिया है, हाई इन विटामिन सी होता है और आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी इज़ मस्ट गाइज, दिस इज़ टिप लाइक सिक्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब आयरन खाते हो तो आपको विटामिन सी साथ चाहिए। सो इसके लिए मैंने कीवी भी साथ काटा है, फ्रूट सैलेड में नहीं डालती ताकि बेटा लाइक नहीं करता, एंड आई लव कीवी, इट्स हाई इन विटामिन सी। सो दिस इज़ द होल थिंग गाइज, डेट्स हैं, पकौड़े हैं, चटनी है, हाई वो आयरन है, साथ विटामिन सी वाला जूस ले लें और दैट्स इट गाइज। टर्मरिक सॉस है, केचप मायो, जो केचप है वो सोयल और रेयान खाएंगे और दैट्स इट। मैंने साथ एक्स्ट्रा नट्स भी रख लिए अगर मुझे खाने हो, ताकि आई प्रेफर मैं थोड़े से ऑलमंड्स या रेजन खा लूँ इफ्तारी में। और दैट्स इट गाइज, ये थी मेरी इफ्तारी। अच्छा, इसके बाद हम खा के जल्दी से नमाज़ पढ़ेंगे मगरिब की, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और दैट्स इट। अब है हमारा डिनर टाइम, मैं फ्रेश होके आ गई थी और जल्दी से अब थोड़ा सा जान आ गई थी खाना खा के, और मैंने पालक चिकन बनाया था इसके साथ, सो लगे ना एप्पल जूस ले रहे थे, मैं ऑरेंज जूस लूँगी, सैलेड है और रोटी, थोड़ा सा खाएंगे मैं भी हाफ हाफ रोटी, बट आई प्रेफर के कुछ ना कुछ खा लूँ साथ। अच्छा, पालक चिकन में मैंने एक्स्ट्रा बटर डाला था सोहेल के लिए, उन्हें बहुत पसंद है, और चटनी आप देख सकते हो कि आधी खाली हो चुकी है, मतलब बहुत मज़े की बनी थी। सो होपफुली गाइस आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बहुत सारी दुआएं करें, ताकि रमज़ान का महीना सिर्फ दुआओं के लिए है और अल्लाह हम सब के गुनाह बख्शे, और जितने इस दुनिया से हमारे रिश्तेदार और अजीज़ चले गए हैं अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।